हेलो एवरीवन वेलकम बैक वीडियो तो क्या है बोलो मतलब कुछ ना कुछ अतिथि uh, को होते ही रहता है कि उसका जो था मतलब पॉट uh, हो रहा था चार पाँच दिन से तो हो ही रहा था मतलब एक दिन होता है फिर नेक्स्ट डे ठीक हो जाता है फिर उसका नेक्स्ट डे होता है तो ऐसे ही हो कि फिर लगा कि थोड़ा सा रेडनेस आ रहा है ब्लड जैसा दिख रहा है पॉटी में फिर मैं डॉक्टर से बात की और उसका जो है स्टूल टेस्ट के लिए भेजी थी आज रिपोर्ट भी आया सुबह ही दिए थे टेस्ट के लिए और आज रिपोर्ट भी आया उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी है तो पता नहीं क्या होता है डॉक्टर तो बोले हैं कि वो खाने से और पीने से ही हुआ है खाने से पीने से मुझे नहीं लगता है मतलब खाने पीने से हुआ है मतलब उस ना ज़्यादातर उसको मुझे लग रहा है कि हर चीज़ जो है वो मुंह में लेती है ना उसके वजह से है शायद हुआ है खाने में तो वही देते हैं जो भी देते हैं प्रॉपर बॉइल करके देते हैं क्लीन भी रखते हैं पीने के लिए वो तो बोतल में पीती है और वो बोतल को डेली मतलब स्टैबलाइज करते हैं तो वही लग रहा है कि हर चीज़ वो मुँह में डालेगी हर चीज़ कुछ भी रखो वो लेके उसको मुँह में ही डालती है शायद उसी के वजह से ही उसका जो है इन्फेक्शन हुआ है पता नहीं वो फिर कैसे ठीक होगा बहुत टेंशन हो जाता है जब भी बच्चों का तबीयत ठीक नहीं रहता है तो स्ट्रेस ही हो जाता है कुछ ना कुछ मतलब होते ही रहता है इन्फेक्शन फिर फीवर फिर, फिर, फिर अभी जो है उसका ये भी स्टोल इन्फेक्शन क्या ही करूँ और एंटीबायोटिक तो डॉक्टर दिए हैं आज एंटीबायोटिक क्या टैक्सी ओ करके कुछ दिए हैं एंटीबायोटिक उसको सेवन डेज के लिए दिन में दो बार करके तो उसको ला के मैं दूंगी देने का बाद फिर से शायद उसको होगा स्टूल टेस्ट होगा या फिर यूएसजी करना पड़ेगा क्या ही करूँ बस यही है कि मेरी बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए बहुत टेंशन हो जाता है मतलब जब से रिपोर्ट आया है तब से मुझे पूरा बेचैनी सी लग रहा है कैसे ठीक होगी क्या कैसे उसको केयर करूं मतलब यही है ना हर चीज़ मुंह में लेती है छोटा बच्चा है वो तो मुँह में लेगी ही उसको कैसे क्या मतलब ये करो अभी तो ऐसा हुआ है कुछ भी मुंह में लेती है उसको छीनने से वो पूरा सा पूरा रोने लगती है अभी सो रही थी उठ गई यहाँ पे है कुछ भी पकड़ के मुंह में लेगी उसको छीनने से उससे अगर ले आऊँगी तो वो खुरा रोने लगेगी और पता नहीं खाने पीने में कभी कभी तो वो नहीं खाती है उसके लिए उसको थोड़ा सा आइसक्रीम भी दे देते हैं कि आइसक्रीम मुँह में लेगी खा लेगी शायद उसके वजह से तो नहीं हुआ है ना और ये इूड भी दे देते हैं और बिस्किट वगैरह भी थोड़ा मुँह में लेती है ना तो खाने लगती है इसलिए मैं उसको भी थोड़ा दे देती हूँ क्या पता उसके वजह से हुआ है कि क्या तो अभी वो सोई थी उठ के आ गई मेरे पास और हाँ उसका बर्थडे है नवंबर को ना नवंबर पता नहीं वो कैसे देख के बनाते हैं ऐसे तो नवंबर सेवेंटीन को है लेकिन हम लोग का पता नहीं घर पे एक कैसे देख के बनाते हैं नवंबर सेवन को हो रहा है तो घर भी जाना है आ, फोर को जाना है नवंबर फोर को जा उड़ीसा जाना है तो फिर वो ही उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है ना इसलिए मुझे भी स्ट्रेस हो रहा है कि क्या करूं कैसे चुपचाप छप चुप हैं है चुप चप छप बहती है <laughs> तुमको कुछ पता है तुम्हारा क्या होना है पता है नहीं पता है मुंह में नहीं लेना है बाबू मुंह में नहीं लेना है तबीयत खराब होता है ना तुम तो खुद लेना ठीक हाँ। नहीं लेना नहीं लेना है चुप चुपचाप करके बैठ के देख रही है दीदी हाँ हा हाँ, हा। हाँ हा। क्या हुआ क्या हुआ क्या तो वही है कि बस जल्दी से ठीक हो जाए मेरा तो टेंशन ही होते रहता है कैसे मेरा बच्चे ठीक हो जाएगी क्या मेरा तो हमेशा यही टेंशन ही रहता है मतलब उसका शरीर ठीक रहे जैसे तबियत ठीक रहने से मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है कोई भी माँ बाप को बच्चा ठीक रहने से अच्छा लगता है अगर कुछ होता है तो फिर स्ट्रेस हो जाता है ना अभी तो सो के उठी उसको फिर कुछ खिलाना है अभी मतलब वो तो खिचड़ी खा के ही सोई थी फिर देखते हैं क्या खाएगी थोड़ा ही दे खीते होममेड सरेलग तो नहीं दे रही थी क्योंकि उसको जो पॉटी हो रहा था इसलिए बहुत कुछ रागी भी नहीं देती थी डॉक्टर तो ऐसे मना किए थे फ्रूट्स देने के लिए इसलिए फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं देती थी तो देखती हूँ रा, रात को शायद सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा पोहा बना के दूँ वो खाई खा, खा देगी थोड़ा सा पोहा में डेट्स से डाल के उसको अच्छे से बॉयल करके देने के लिए और सोच रही थी आज थोड़ा सा कहीं पे घूमने जाऊंगी पूजा के लिए और नहीं तो फिर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि अयंस का मम्मी पापा अंश सब कल चले जाएंगे मम्मी के पास तो फिर और बाहर जा पाना मुश्किल हो जाएगा इसलिए सोच रहे थे आज वो लोग हैं और एक दो घूम के आ जाते हैं पूजा पंडाल देख के देखती हूँ सब आदिति के ऊपर डिपेंड है आदिति अगर ठीक रहेगी रोने नहीं लगेगी गुदगल हो जाएगी तब हम लोग जाएंगे घूमने के लिए <laughs> आदित्य बहुत कुछ बोलने लगी है क्लैप क्लैप करती है और क्या करती है बाय बाय करती है और क्या करती है हैंडसेक करती है फ्लाइंग किस करती है सब कुछ करती है। <laughs> हेलो बोलती है फोन लेके कान में लगा देती है उसको पता है हेलो होता है वो भी करती है है ना है ना आदित्य और नोज कहाँ है बोलने से वो बता देती है ये नोज है ये नोज है <laughs> नोच का है नोच 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 नोज का है नोच ऐसा नहीं खींचते हैं नोच बता दो छपको नोज का है नोज नोज नोच नोज का है मैं बोलूंगी वो आ, मेरा नोच पे हाथ लगाएगी ये है नोच ना <laughs> तो फिर मिलते हैं एक अनादर न्यू वीडियो में बस यही अच्छा, मतलब जल्दी ही ठीक हो जाए फिर मिलते हैं एक अनादर न्यू वीडियो में <laughs> थैंक यू सो मच